अगर आप भी इस समय किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, अगर आप योग्य हैं तो आप इन नौकरियों के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको यूको बैंक में रोजगार के बारे में। इस बैंक में कुल 91 पदों के लिए रोजगार है। पद की अगर बात करें तो अर्थशास्त्री, आईटी अधिकारी, सीए, सीएफए, सुरक्षा अधिकारी के लिए रोजगार के मौके हैं। आवेदन की आखिरी तारीख है 17 नवंबर। अगर आयु की बात करें तो जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 के लिए 21 से 40 साल और मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए 21 से 30 साल है। जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 के लिए वेतन 23,700 से लेकर 42,020 रुपए प्रति महीना तक है, जबकि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के लिए वेतन 31,705 से 45,950 रुपए प्रति महीना है। यूको बैंक के 1943 में स्थापना की गई थी और ये एक सरकारी बैंक है और इस रोजगार से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको www.yukobank.com पर मिलेगी। अब बात करते हैं इसरो में रोजगार की। अगर आप अंतरिक्ष के लिए काम करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर भी मौका है। वैज्ञानिक और इंजीनियर पद के लिए यहाँ रोजगार के मौके हैं। कुल पदों की संख्या 7 है। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा है 35 साल और वेतन काफी आकर्षक है, 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपए प्रति महीना। आवेदन की आखिरी तारीख है 9 नवंबर। इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काम करने वाली सरकारी संस्था है और इस रोजगार से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो www.ipsc.gov.in पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सरकारी पेट्रोलियम कंपनी में भी रोजगार के अवसर हैं आपके लिए। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने 142 अलग अलग पद के लिए आवेदन निकाले हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें एक तरफ 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए मौके हैं तो दूसरी तरफ बीएससी, बीकॉम, एमबीए, एमसीए छात्रों के लिए भी मौके हैं। इसमें आयु सीमा है 18 से 24 साल, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख है 1 नवंबर। चेन्नई पेट्रोलियम इंडियन ऑयल की सहयोगी कंपनी है और इस रोजगार से जुड़ी सभी जानकारी आपको www.cpcl.co.in पर मिलेगी। इसके अलावा देखिए रेलवे में भी रोजगार के अवसर हैं। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट ने प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और अन्य दूसरे पदों के लिए आवेदन निकाले हैं। इसमें कुल पदों की संख्या 39 है और पद के हिसाब से अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है, जबकि वेतन 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के मुताबिक दिया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख है 10 नवंबर। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट रेलवे से जुड़ी संस्था है और इस रोजगार से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सभी आपको nrti.edu.in पर सभी जानकारी मिलेगी।